सब्जेक्ट इज हॉस्पिटल फार्मेसी एंड टॉपिक इज बेड साइड फार्मेसी। बेड साइड फार्मेसी ये एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, जो ड्रग होती है उसको पेशेंट के पास में रख दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट ड्रग को खुद से यूटिलाइज कर सके। व्हाट इज बेड साइड फार्मेसी, नाम से ही पता लग रहा है और हमने इंट्रोडक्शन में देख भी लिया है कि बेड साइड फार्मेसी क्या होती है। ये एक हॉस्पिटल में सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट लोग जो होते हैं वो डिलीवरी कर देते हैं मेडिकेशंस की, ठीक है, और रख देते हैं डायरेक्टली पेशेंट के बेड साइड पे, ठीक है। वंस द मेडिकेशन वॉज डिलीवर्ड टू पेशेंट बेड साइड बाय द टेक्नीशियन टू काउंसिल हर और हिम अबाउट द मेडिकेशन बाय द फार्मासिस्ट, ठीक है। एक बार मेडिकेशंस को डिलीवर कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, फार्मासिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट के पास जाते हैं और सारी ड्रग्स को कैसे लेना है, कब लेना है, टाइम, डोज सब बता देते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग कर लेते हैं और सब कुछ समझा के उसको ड्रग्स को के बारे में पूरा बता देते हैं, ठीक है। फिर मेडिकेशन एट द बेड साइड शुड बी लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन इफ सो ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन। और जो मेडिसिंस बेड साइड फार्मेसी में रखी होती हैं वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, और वो ऑर्डर्ड की जाती है फिजिशियन से, तभी रखी जाती है। पेशेंट अपने पास से कोई भी ड्रग वहाँ पर नहीं रख सकता है, ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग्स ही रखी जाएंगी, पेशेंट अपने आप से कोई भी, अपने मन से कोई भी ड्रग वहाँ पर नहीं रख सकता। देन है बेड साइड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। जो फार्मासिस्ट बेड साइड फार्मासिस्ट होता है उसका क्या रोल होता है, तो प्रिपेयर द मेडिकेशन फॉर द मेडिकल इमरजेंसीज एट बेड साइड, ठीक है। तो बेड साइड में जो भी इमरजेंसीज मेडिसिन होती हैं उनकी प्रिपरेशन करना, ठीक है, मतलब कि उनकी जो डोज होती है उसको प्रिपेयर करना, और कोई अगर पर्टिकुलर प्रिपरेशन में अगर उसको डोज को हमें देना है तो उसको प्रिपरेशन करना और उसको बेड साइड पर रख के आना ताकि वो अपने टाइम पर उसको एडमिनिस्टर कर सके, ये एक फार्मासिस्ट का, बेड साइड फार्मासिस्ट का रोल होता है। और क्या करता है, कैलकुलेट एक्यूरेट डोज, ठीक है, और जो ड्रग की कैलकुलेशन होती है, एक्यूरेट डोज, पर्टिकुलर जो डोज उसको लेनी होती है उसकी कैलकुलेशन करना, रिकमेंड मेडिकेशन बेस्ड ऑन गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल, ठीक है, गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के हिसाब से ड्रग मेडिकेशंस को रिकमेंड करना, और ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, सारी ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देना। इसके अलावा फैमिली में अगर कोई पर्सन उसके पास है तो उसके उसको भी सारी ये जानकारी देना, वो भी एक फार्मासिस्ट का रोल है, बेड साइड फार्मासिस्ट का रोल है। इम्पॉर्टेंस, तो इम्पॉर्टेंस क्या क्या होती है बेड साइड फार्मेसी की। फार्मासिस्ट गिव हिज ओन एक्सपर्ट एवोल्यूशन ऑफ प्रेस्क्राइब ड्रग, तो फार्मासिस्ट क्या करता है, जो भी ड्रग प्रेस्क्राइब की गई होती है उसका जो एवोल्यूशन होता है उसके बारे में अपना एवोल्यूशन के हिसाब से उसको बताता है, उस ड्रग के बारे में उस पेशेंट को बताता है। ड्यूरिंग द वार्ड विजिट ही स्टडी प्रेस्क्रिप्शन एंड ऑफर्स एडवाइस ऑन अप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी। वार्ड विजिट के ड्यूरिंग हर पेशेंट के पास जाता है और उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में पूछता है, अगर उसे लगता है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है तो उससे अप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी बताता है। ही टेक्स एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ ड्रग यूज एंड ड्रग इंफॉर्मेशन फॉर विच ही इज ट्रेंड। एक तरह से जो फार्मासिस्ट होता है वो एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ड्रग को कैसे यूज़ करना है, ड्रग की सारी इन्फॉर्मेशन उस देता है, जो भी वहाँ पे लोग होते हैं, जो भी वहाँ पे पेशेंट के साथ लोग होते हैं और नर्सेज वगैरह होती हैं उनको। ही डायरेक्ट हिज एफर्ट टू सेफ एंड एफिकेशियस यूज़ ऑफ ड्रग, वो ट्राई करता है कि जो भी ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं उसका सेफ और एफिकेशियस यूज हो। ही मॉनिटर द ड्रग यूज़ बाय कंडक्टिंग फार्माकोकाइनेटिक
स्टडीज, उसके साथ साथ वो जो ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं उसकी फार्माकोकाइनेटिक स्टडी भी देखता है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म और उसका एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, वो सारा उसकी ड्रग की मॉनिटरिंग भी करता है। ही शेयर्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी विद फिजिशियन एंड नर्सेज, इसके साथ साथ जो और मेडिकल स्टाफ होता है उसके साथ हेल्थ केयर रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है।